मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस शासित प्रदेशों से कोरोना फैलने के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा घिर गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता, राजस्थान के परिवहन मंत्री और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मिश्रा ने मंगलवार सुबह एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोरोना सबसे ज्यादा फैला है। यह महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सबसे ज्यादा है। इन्हीं प्रदेशों से दूसरे राज्यों में यह फैला है। मिश्रा ने कहा, हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, अपने वीडियो बनाकर जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा रहेगा। कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी ने भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमितों को यह बीमारी चपेट में ले रही है। शहर में पिछले 15 दिनों में इस बीमारी ने 3 लोगों की जान ले ली है। 12 नए पीड़ित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। वहीं शहर के निजी अस्पतालों में भी इसके कई मरीजों के भर्ती होने की खबर है। कुछ के आंख व जबड़ा का ऑपरेशन कर निकालना पड़ा। चिकित्सकों के मुताबिक कोविड संक्रमित मरीज ही इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ रही है। नेगेटिव होने के 4 से 5 दिन के बाद इस बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। महाकौशल में तेजी से यह बीमारी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसके लिए सरकार को कसूरवार ठहराया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को किसका संरक्षण है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, महामारी में मध्य प्रदेश में नए तरीके का माफिया सामने आया है, वो है रेमडेसिविर माफिया। इसने संकट काल में कई लोगों की जानें ली है, कई जरूरतमंद लोगों को लूटा है, कई लोगों को ठगा है, कई परिवारों को बर्बाद किया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर अचानक घटकर 15% पर आ गई है। करीब 10% की इस बड़ी गिरावट ने सबको चौंका दिया है, लेकिन इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है सरकार की टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। सरकार उस फटाफट रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भरोसा दिखा रही है जिस पर विशेषज्ञों को नहीं है। आज के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में रैपिड और RT-PCR टेस्ट का अनुपात 50:50 हो गया है, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से यह 30:70 का होना चाहिए। यानी सरकार ने RT-PCR घटाकर रैपिड बढ़ा दिए हैं, जिसका रिकॉर्ड अलग ही तरीके से दर्ज होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब परिवारों के लिए आपदा राहत योजना शुरू की है। योजना का लाभ दिलाने के लिए इंदौर में निगमायुक्त द्वारा वार्ड स्तर पर हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर के 19 जोनों में आने वाले 85 वार्डों में हेल्प डेस्क शुरू की है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से गरीब परिवार यहां पर अपनी अस्थायी पात्रता पर्ची के लिए आवेदन भर सकते हैं और फिर उन्हें उनके हिसाब से पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह खाद्य सामग्री ले सकेंगे।